उम्मीद करती हूँ कि मेरा कंपनी लॉ का जो सोर्सेज का वीडियो है वो आप सबने अभी तक देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में जाके क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लेना। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ का टाइप्स। कंपनी लॉ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर, लायबिलिटी के ऊपर और कंट्रोल और ओनरशिप के ऊपर बेस करके क्या क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हो इंडियन लीगल स्टडी। सबसे फर्स्ट, कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनी डिपेंड्स अपॉन इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के ऊपर बेस करके कंपनी तीन तरह के होते हैं, चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर कंपनी। चार्टर कंपनी, ये सब कंपनी 17th और 18th सेंचुरीज में जो भी किंग और क्वीन हुआ करता था वो सब बनाते थे, और जो रॉयल चार्टर हुआ था उसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशन हुआ करती थी वो कंपनीज को, तब का कंपनीज को गवर्न करती थी। तो चार्टर कंपनीज का एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सब। लेकिन आज के इंडिया में ये चार्टर कंपनी एग्जिस्ट नहीं करते है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो है स्टैट्यूटरी कंपनी। ये स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है, पार्लियामेंट ने कुछ कंपनीज के लिए अलग से लॉ बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, तो वो प्रोविजन के अंडर ये स्टैट्यूटरी कंपनीज काम करते हैं। तो इसका एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और भी ऐसा बहुत सारे कंपनीज है। तो स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होते हैं, जो कंपनीज के लिए पार्लियामेंट ने अलग से एक स्टैट्यूट यानी कि लॉ बनाती है वो है स्टैट्यूटरी कंपनी, और इसका एग्जांपल है LIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम आता है इंडिया के सबसे पॉपुलर कैटेगरी में कंपनीज का, वो है रजिस्टर्ड कंपनी। इंडियाज कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी का जो डेफिनेशन है वो रजिस्टर्ड कंपनी होता है, वो सब कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी होता है। आज के डेट तक इंडिया में जितना कंपनी है वो सब कंपनी या तो 1956 के एक्ट के अंदर रजिस्टर है और नहीं तो 2013 का एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। रजिस्टर्ड कंपनीज का एग्जांपल मैं एक देती हूँ, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर कंपनी, ये है रजिस्टर्ड कंपनी का एग्जांपल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। लायबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करके कंपनी होता है दो तरह की, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी। जो अनलिमिटेड कंपनी है उसमें कंपनीज का जो मेंबर होता है उसके ऊपर लायबिलिटी का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया तो कंपनी का मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स जैसे कि घर, मकान, ये सब बिक सकता है। इंडिया में अनलिमिटेड कंपनी उतना भी पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसके बाद जो कैटेगरी है लिमिटेड कंपनी, ये इंडिया में बहुत पॉपुलर है। लिमिटेड कंपनी होते हैं दो तरह की, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 क्रॉस 21 में लिमिटेड बाय गारंटी का डेफिनेशन दिया होता है। लिमिटेड बाय गारंटी में कंपनी का जो मेंबर्स होता है उसका लायबिलिटीज लिमिटेड होता है। कंपनी बनाने के टाइम पे कंपनी का कितना शेयर सब्सक्रिप्शन होगा ये मेंशन नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन मेंबर्स का कितना लायबिलिटीज होगा ये जरूर मेंशन होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ए एक कंपनी बनाया है जिसका नाम है बी प्राइवेट लिमिटेड, और कंपनी बनाने के टाइम पे ए ने ये बोल दिया कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चला गया तो उसने 50 करोड़ के ज्यादा नहीं पे करेगा, उसका लिमिटेशन है पे करने का 50 करोड़। और कुछ दिन बाद बी प्राइवेट लिमिटेड का वाइंडिंग अप हो गया और उसमें उसका लॉस हुआ 50 करोड़ से बहुत ज्यादा, लेकिन ए सिर्फ पे करेगा 50 करोड़, उसका लायबिलिटी 50 करोड़ के ज्यादा नहीं होगा, और यही है लिमिटेड बाय गारंटी। और ये सारे कंपनीज का एग्जांपल होता है जैसे कि ट्रेड यूनियन, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी में हम आते हैं लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। 2013 का एक्ट में सेक्शन 2 सब क्रॉस 22 में लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल का डेफिनेशन दिया होता है। लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल दो टाइप का होता है, एक है प्राइवेट कंपनी और एक है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में तीन रूल होता है, एक है R फॉर रेस्ट्रिक्शन, L फॉर लिमिटेशन एंड P फॉर प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन होता है प्राइवेट कंपनी के ऊपर दो, जैसे कि उसने कोई भी शेयर कैपिटल बाहर के कोई कंपनी को बेच नहीं सकता, और प्राइवेट कंपनी को
इसका नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड ये लगाना पड़ेगा। और लिमिटेशन, प्राइवेट कंपनी का मेंबर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस होता है, उसने मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर रख सकते हैं। लेकिन 200 जो मैक्सिमम मेंबर होता है उसमें जो पास्ट मेंबर था उसको काउंट नहीं किया जाता है, और जो जॉइंट मेंबर होता है उसको सिंगल काउंट किया जाता है। प्राइवेट कंपनी के ऊपर एक प्रोहिबिशन था, उसको पहले 1,00,000 मिनिमम पेडअप कैपिटल पे करना पड़ता था, लेकिन 2015 का अमेंडमेंट आने के बाद ऐसा कोई लिमिटेशन और प्रोहिबिशन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर नहीं होता। लिमिटेड में शेयर कैपिटल का दूसरा टाइप है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी 2008 में सेक्शन 2 सब क्लॉज 71 में डिफाइन किया गया। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होना चाहिए और डायरेक्टर मिनिमम 3 होना चाहिए, और पब्लिक कंपनी के ऊपर इसके सिवा और स्पेशल कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। पब्लिक कंपनी और भी दो तरह के होता है, एक है लिस्टेड कंपनी और दूसरा है अनलिस्टेड कंपनी। ये दोनों कंपनी का डेफिनेशन मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट ऑफ कंपनी होता है कंट्रोल और ओनरशिप के ऊपर बेस करके। कंट्रोल और ओनरशिप के ऊपर बेस करके कंपनी होता है गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। फर्स्ट हम जानेंगे गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी 2008 के सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफाइन किया होता है। गवर्नमेंट एक कंपनी कब गवर्नमेंट कंपनी हो सकता है? अगर कोई भी कंपनी में टोटल शेयर का 51% शेयर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके खरीद लेते हैं तब एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होते हैं। और अगर कोई भी कंपनी का टोटल शेयर का 51% शेयर कोई भी दो स्टेट का गवर्नमेंट का होता है तब वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होता है। और अगर सिर्फ कोई एक स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी कंपनी का 51% शेयर लेता है तब भी वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो सकते है। और लास्ट अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 51% शेयर लेते है कोई भी कंपनी का तब भी वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो सकता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 46 में एंड सब्सिडियरी कंपनी डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 87 में। ये दोनों कंपनी हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। सोचो कि ए एंड बी दो कंपनी है। बी कंपनी का 1/2 यानी कि 50% के ज्यादा शेयर के ऊपर ए कंपनी का कंट्रोल है एंड बी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके ऊपर भी ए कंपनी का कंट्रोल है। तो ए कंपनी हुआ बी कंपनी का होल्डिंग कंपनी एंड बी कंपनी हुआ सब्सिडियरी कंपनी। तो इससे हम क्या समझते हैं? जो कंपनी अगर कोई कंपनी के ऊपर कंट्रोल करता है तो जो कंपनी कंट्रोल करता है उस कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के ऊपर कंट्रोल करते हैं उस कंपनी को हम बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी 2013 का एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डिफाइन किया हुआ है। अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी कोई दूसरे कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है तो वो हुआ दूसरे कंपनी का एसोसिएट कंपनी। अब हम ये वर्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस समझेंगे। सोचो ए एंड बी दो कंपनी है। ए जो कंपनी है ये बी कंपनी का 28% शेयर कंट्रोल करता है। तो ये जो ए बी का 28% शेयर कंट्रोल करता है ये हुआ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बी कंपनी के ऊपर ए के द्वारा। ए कंपनी 20 से 50% तक शेयर ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये शेयर 50% से ज्यादा एक्सीड करेगा तब ए कंपनी बी कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगा। तो एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन में हमको ये याद रखना होगा कि शेयर सिर्फ 20 से 50% तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 50% से एक्सीड करेगा तब वो हो जाएगा सब्सिडियरी कंपनी। जो ज्वाइंट वेंचर्स कंपनीज होता है जो कि एसोसिएट कंपनीज का डेफिनेशन के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है वो भी एसोसिएट कंपनी होता है। डीम पब्लिक कंपनी, ये टर्म हम बहुत बार बहुत जगह में सुन चुकी है। डीम पब्लिक कंपनी का मतलब है कोई भी कंपनी जो पूरा तरीके से पब्लिक कंपनी नहीं है लेकिन पब्लिक कंपनी जैसा है। डीम पब्लिक कंपनी होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। चलिए हम जान लेते हैं वो 3 कंडीशन।
कंडीशन क्या है। अगर कोई भी पब्लिक कंपनी ने 25% और मोर देन पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है तब वो कंपनी डीम कंपनी हो सकता है, लेकिन वो कंपनी होता होगा प्राइवेट कंपनी और 25% और उससे ज्यादा जो पेड अप शेयर कैपिटल पब्लिक कंपनी होल्ड करेगा, बाकी पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी होल्ड करेगा। कंडीशन नंबर टू, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी 25% और उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल होल्ड करेगा एंड बाकी पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी होल्ड करेगा तब भी वो कंपनी डीम कंपनी हो सकते हैं। कंडीशन नंबर थ्री, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 25% और उससे ज्यादा प्राइवेट कंपनी होल्ड करेगा तब भी कोई भी कंपनी डीम पब्लिक कंपनी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा पार्ट वन में टाइप्स ऑफ कंपनी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद बेल बटन दबा देना जरूर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग कंपनी लॉ को ऐसे और भी वीडियो सीरीज देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा और आपको कुछ भी जानने को मिला इस वीडियो से तो एक लाइक शेयर और कमेंट तो जरूर बनता है, और कमेंट करके मुझे बताओ कि मेरा वीडियो आपको कैसे लगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।